मैं हूं मनी चौधरी और आप देख रहे हैं एडप्रकाश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं वॉल नंबर 25 में, जहां पर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आप पार्टी के पार्षद योगेश ढींगरा जी से, उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो एडप्रकाश टीवी की ओर से सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चुनाव जीत चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, आप आदमी पार्टी ने वादे किए थे कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो अपने जो भी वादे हैं वो पूर्ण रूप से निभाएंगे, और ऐसा हुआ भी। चंडीगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा जताया, तभी उनकी 14 सीटें चंडीगढ़ से निकली हैं। तो आप अब अपने वार्ड में किन किन कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकताएं देंगे? सबसे पहले मैम, हमारा सफाई का काम शुरू हो चुका है जी, पूरी सफाई सेक्टर की हो रही है। और दूसरा, हमने पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, जो जो पार्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को हम मिल रहे हैं, जो जो वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। और तीसरा, हमने ये काम किया, आसपास बहुत ज़्यादा ईंटें पड़ी हुई हैं, किसी भी तरह का जो भी लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको वेस्ट हो रहा है, हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करके उनका सबका समाधान कर रहे हैं जी। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में आपकी जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी पार्टी में सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी का मेयर पद इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो अपने जो मेयर हैं उन्हीं से खुश नहीं है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमने टोटल 14 कैंडिडेट थे, 14 की 14 वोट हमें पड़ी थी, लेकिन इन्होंने एंड में गड़बड़ करी है, वो जनता ने भी देखा है, पूरे मीडिया में भी देखा है, प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, इन्होंने हमारे साथ थोड़ा धोखा किया जी। जैसा आपने अभी कहा कि इन्होंने थोड़ा गड़बड़ की थी, तो वही मेयर सरजीत कौर का कहना है कि जो सीनियर डिप्टी मेयर था उसमें 15 वोट डली थी उनको जी, लेकिन जो डिप्टी मेयर था उसमें 14 ही डली थी, वो ड्रॉ से निकला था, डेट इज ए लक फैक्टर। वो तो जो पर्ची बाहर निकली उनका नाम आया अनूप गुप्ता जी का, बट उन्होंने जो आपको ये चीज बताई है भी डिप्टी मेयर में भी उनको ज्यादा वोट डले हैं, नहीं वो गलत होता है जी। आप चुनाव जीत चुके हैं, तो आप अपने जो वार्डवासी हैं जिन्होंने आपको जिताया अपने कीमती वोट देकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगा अभी हम सब मिलके काम करें, मैं पॉजिटिव हूँ, आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। बस आप भी पब्लिक को भी यही कहना चाहूंगा जो मेरे वार्ड के वासी हैं, हमने सफाई का अभियान शुरू किया है, सफाई हो रही है हर तरफ से, और मैं लोगों से यही अपील करूंगा भी आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें। जो हमारी ड्यूटी ये बनती है भी जो चीज़ हमने जहां पे रखनी है उसको वहीं पे रखें, इधर उधर कहीं ना फेंके, ताकि इस वार्ड को हम बढ़िया बना सकें। चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर शर्मा जी का, दिलीप शर्मा जी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी जीती है उन्होंने झूठे वादे किए हैं लोगों से और उसी के दम पर वो जीते हैं। नहीं मैम, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल आपके सामने है जी, सिर्फ आपके सामने नहीं है, पूरे इंडिया के सामने, हमने वहाँ पे करके दिखाया है। हर चीज़ में टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम हमने कंटेस्ट किया था, हम आपसे सिर्फ 6 मंथ्स मांग रहे हैं, 6 मंथ्स में अगर आप अपने मुँह से ना बोलोगे ना यहाँ काम नहीं हुआ, तो अगली बार हम आपको ये कहेंगे। हमारी पहली बार तो सीटें भी ज़्यादा आएंगी क्योंकि लोग बड़े खुश हैं, वो दिल से चाह रहे थे मेयर भी हमारा बने, लेकिन चलो जो हुआ वो सबके सामने सबने देख ही लिया, बीजेपी से लोग नाराज हैं, उन्होंने धक्का दिया हमारे साथ। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, आप जब 6 महीने बाद मेरे सेक्टर में आओगे आपको इम्प्रूवमेंट देंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा योगेश जी का कहना है कि वो पूर्ण तरीके से अपने जो उन्होंने कार्य और जनता से जो वादे किए हैं वो पूर्ण तरीके से निभाएंगे, और अगले 6 महीने में यहाँ पर डेवलपमेंट खुद ही नजर आएगा। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए एडप्रकाश टीवी पर। मैं अभी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें एडप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।